हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। देख सकते हैं हमारी वर्कशॉप पर जो शोक लेलैंड के पुराने डैशबोर्ड में गाड़ी आती थी उसका कैबिन का काम आज शुरू हो गया। देख सकते हैं सबसे पहले कैबिन का जो लोहे का स्ट्रक्चर है वो सारा आज तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं एक तरफ स्ट्रक्चर एंगलों में सराख डाले जा रहे हैं और एक तरफ स्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया जा रहा है। देख सकते हैं एकदम हैवी एंगल हमने कैबिन पर लगाया है और साइड में देख सकते हैं हैवी 3 इंच के चैनल नीचे लगाए गए हैं और पीछे भी चैनल लगाया गया है। देख सकते हैं पूरी वीडियो को अंत तक तो जरूर देखें क्योंकि हमने इस वीडियो में सारे कैबिन का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है उसकी पूरी वीडियो डिटेल में हमने डाली है। देख सकते हैं सबसे पहले पीछे एंगल खड़े करे जा रहे हैं बॉडी के साथ, वो 1 इंची दर्ज के साथ खड़े करिए हैं और पीछे क्योंकि 1 इंची की ढो आएगी। देख सकते हैं हर काम गुनिया में किया जा रहा है और देख सकते हैं साइड के एंगल जो है खड़े हो गए हैं। अब दूसरी तरफ भी देख सकते हैं एंगल खड़े हो रहे हैं एकदम मेहनती के साथ, एकदम बराबर गाड़ी का चार खड़ा हो रहा है हमारी वर्कशॉप पर। देख सकते हैं आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस गाड़ी की आगे की वीडियो भी हम अपने चैनल पर डालते ही रहेंगे। फिर इसे इन एंगलों में आगे लकड़ भरी जाएगी उसकी वीडियो भी हम अपने चैनल में डालेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर आपको वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर गाड़ी का खड़ा हो रहा है।